हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2019 के अगले मैच जो कि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच, उसके बारे में। तो दोनों ही टीम्स के लिए वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है और ये एक डेड रबर ही है। इसके कारण इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है मैच को देखने के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के में से क्रिस गेल हैं, निकोलस पूरन ने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी। वहीं अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो हम राशिद खान को देख सकते हैं। क्या वो ये वर्ल्ड कप अच्छे नोट पर एंड कर सकते हैं? अभी तक उनका कोई ये वर्ल्ड कप इतना खास नहीं गया जितना हम सब ने उनसे उम्मीद की थी। तो अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है ये मैन टू मैन। अगर हम मार्किंग करें तो क्रिस गेल के सामने राशिद खान, ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, देखने में मज़ा आएगा। अफगानिस्तान के तीनों स्पिनर्स मुजीब और नबी भी हैं, और सामने वेस्ट इंडीज के एक्सप्लोजिव बैट्समैन क्रिस गेल हो गए, निकोलस पूरन हो गए, अभी अभी सेंचुरी मार के हैं शाय होप, शिमरॉन हेटमायर। तो देखने वाला मुकाबला जरूर होगा, चाहे डेड रबर जरूर है, क्योंकि ऑलरेडी 4 सेमीफाइनलिस्ट तो आ ही चुके हैं। पाकिस्तान कल प्रैक्टिकली कोई भी उनका भी चांस नहीं बचा। तो ये मैच का कोई खास अहमियत नहीं है वर्ल्ड कप के नज़रिए से, लेकिन दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ही अच्छा मैच होगा, महत्वपूर्ण मैच होगा। अफगानिस्तान का आखिरी मैच है, क्या वो अपनी पहली जीत दर्ज कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में? अभी तक 8 में से 8 ही हारे, तो वो आए चाहेंगे कि वो ये मैच जीते और कुछ बेनिफिट लेके जाए इस वर्ल्ड कप से। लेके वो जरूर जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है उनके लिए इस टाइम पर। अगले वर्ल्ड कप में हम चाहेंगे ये दो वर्ल्ड कप्स के बीच उनको और बायलैटरल सीरीज खिलाई जाए बड़ी टीमों के अगेंस्ट, ताकि वो और निखर के आ सके, क्योंकि उनमें टैलेंट है, ये हम सबको पता है। उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को टक्कर दिया है, इंडिया को उन्होंने परेशान किया था, तो उनमें टैलेंट जरूर है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है। और अगले वर्ल्ड कप तक मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएगा। वेस्ट इंडीज़ का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन वो भी आगे आ सकती हैं, उनके पास भी टैलेंट है, बस उनके बोर्ड को थोड़ा सा मैनेज कर ले ठीक से, लेकिन फिर भी वो भी अच्छी टीम बन जाएगी। अगर हम बात करें प्रिडिक्शन की, तो मैं जाऊंगा वेस्ट इंडीज़ के साथ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ थोड़ी सी बेहतर टीम लगती है। अगर आप अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान कई बार हमने देखा है प्रेशर में बिखर जाती है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा अफगानिस्तान से बेटर प्रेशर हैंडल करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।